हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी प्लांट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये चाय पत्ती से खाद कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। मैं घर में जो भी चाय पत्ती निकलती है उसे जमा कर लेती हूँ। ये मैंने कल की सूखने डाली है और आज ये मैं लेके आई हूँ। और जो रोज़ की रोज़ चाय निकलती है उसे मैं धो लेती हूँ अच्छे से। इसमें चीनी और दूध का असर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फंगस लग जाएगी पौधों में। बस इसको यहाँ पे डाल दूंगी मैं। ये कल की है और ये आज की है, फैला देती हूँ मैं इसमें। इसमें ये देखिए ग्रीन टी, जो हम पत्तियों से ग्रीन टी बनाते हैं ये उसके लीव्स है, और ये नॉर्मल जो चाय होती है। इनको मैं सुखा लेती हूँ फ्रेंड्स। लिक्विड भी बन जाती है इनकी खाद, लेकिन सुखाने से क्या है इनमें फंगस लगने का डर कम हो जाता है। सुखा के और आप इसे पाउडर करके और गमलों में एक या दो चम्मच साइड में डाल देंगे मिट्टी में, तो ये बहुत अच्छा खाद का काम करती है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं ये बनाना पील भी सुखा लेती हूँ। इनको अगर आप गीले डालोगे पौधों में या लिक्विड बना के भी डालोगे तो भी फंगस लगने का डर रहता है, और मैं ऐसे सुखा लेती हूँ इसको। सुखाने से बिल्कुल भी फंगस नहीं आती पौधों में। या तो आप ऐसे ही इसको पौधों के चारों तरफ डाल के और मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर इसको पाउडर करके एक या दो चम्मच 10-15 दिन से डालते रहिए पौधों में। ये मैं छोटे छोटे पीस करके और सुखाती हूँ तो जल्दी सूख जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सुखा के और इसमें ये जमा करके रख रखी है। गर्मियों में बहुत अच्छी धूप आती है तो मैं इसे सुखा लेती हूँ। इसमें ये बादाम के जो रोज़ डेली यूज़ में छिलके निकलते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे पीस लूँगी मिक्सर में, और पीस के इसको पाउडर फॉर्म में बना के डब्बे में रख लूँगी। फिर जब भी मुझे ज़रूरत होगी दो चम्मच मैं पौधों में डाल देती हूँ। ऐसे ही इसमें मैंने ये बनाना पील्स सुखा के रखे हुए हैं पैकेट में, जमा कर लेती हूँ मैं। सर्दियों में क्या है फ्रेंड्स कि धूप कम आएगी, या फिर बहुत नरम धूप होती है सर्दियों की, तो ये अच्छे से सूखते नहीं है। लेकिन चाय पत्ती सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होती है, चाय ज़्यादा बनती है। तो मैंने पिछले साल की जमा करके खाद लिक्विड गीली खाद भी बना रखी है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गीली है। ये पिछले साल जो सर्दियों में चाय पत्ती निकलती थी उसी को मैं एक लेयर डाल जाती थी, और उसके ऊपर एक लेयर मेरे गमलों की मिट्टी। खाद वाली मिट्टी होती ही है तो बस गमलों की एक मुट्ठी चारों तरफ एक लेयर लगा देती थी मैं। ये देखिए अब इस बार ये कितनी अच्छी खाद बन गई है। आप देखिए इसका कलर देखिए, बिल्कुल एकदम डिकम्पोज हो गई है, एकदम काला कलर आ गया है इसका खाद का। और अब ये डालेंगे तो फंगस नहीं लगेगी क्योंकि ये फुल्ली डिकम्पोज हो गई है। और एक सूखा अगर हम पीस के पाउडर भी डालते हैं तो भी फंगस नहीं लगती है, लेकिन अगर हम भिजा के डालते हैं तो थोड़ा सा फिर उसमें तो अगर दूध का असर रह जाए तो फिर फंगस लगने का डर रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये बनाना पील्स हैं, इनको अगर आप भिजा के डालते हो तो भी अच्छा सोर्स है खाद का, लेकिन भिजा के डालने से पानी के ऊपर आप देखिए एक पतली सी लेयर आ जाती है वाइट वाइट, वो फंगस होती है। तो अगर कोई पौधों को ख़राब करना हो, मतलब पौधों को ख़राब कर सकती है वो। और अगर आप सुखा के डालोगे तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं करेगी पौधों को। बनाना पील्स को आप सीधे सुखाने के बाद इसको ऐसे मिट्टी में थोड़ा थोड़ा डाल के और ऐसे मिट्टी से ढक भी सकते हो, तो सूखे हुए इसलिए इसमें फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। बस इसमें पानी डाल दीजिए। बस इसमें अब थोड़ा सा पानी दे दीजिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोज और भी होते जाएगी और पौधों को खाद मिलते जाएगी फ्रेंड्स। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप गीली डालते हो ये जैसे गीले छिलके ही डाल देते हो तो थोड़ा सा फंगस लगने का डर है, और उसमें पोटेशियम भी कम होता है। और अगर आप सुखाने के बाद बनाना पील डालते हैं उसमें पौधों में तो ये पोटेशियम बहुत अच्छा देता है पौधों को, और पोटेशियम की वजह से पौधों में चमक आती है, उनके फूलों में चमक आती है, पत्तों में चमक आती है, फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फूलों का रंग खिल जाता है।
इसी तरह से ये चाय पत्ती की खाद भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गुलाब के लिए और गुड़हल के फूल के लिए, गुलदाउदी के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। फूलों वाले पौधों के लिए, सभी के लिए खाद बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको बनाइए, या तो आप थोड़ी थोड़ी रोज़ सुखाकर इसे जमा कर लीजिए, और ऐसे भी डाल सकते हैं और पाउडर फॉर्म करके भी डाल सकते हैं। आप लोग खाद बनाइए चाय पत्ती की, बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग देखना रिज़ल्ट, जब ये बना के आप पौधों में डालोगे तो आप देखना रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आएगा। केमिकल की बजाय आप लोग अगर ऑर्गेनिक खाद बना के डालेंगे घर में, थोड़ी मेहनत ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, ये मेरी एक कोशिश है आप लोगों तक मेरा एक्सपीरियंस पहुंचाने की। जो भी मैंने आज तक गार्डनिंग में एक्सपीरियंस लिया है, मैंने जो सीखा है उसमें अपना एक्सपीरियंस मिलाकर मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा नहीं बता पाती हूँ क्योंकि सभी को आता है गार्डनिंग करना, पर जो भी अपना अपना तरीका होता है सबका, मैं अपना तरीका आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अगर इसमें कोई आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ और बताना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।